डिस्क्लेमर मुंह से ही सुन लीजिएगा, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो कोई भी जाकर के महिंद्रा स्कॉर्पियो वाला टोयोटा फॉर्च्यूनर से नहीं बोलेगा एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर वाला महिंद्रा स्कॉर्पियो को नहीं बोलेगा। गाइस दोनों कार मेरी भी फेवरेट है, तो इसमें से ये नहीं कि गाइस महिंद्रा स्कॉर्पियो मेरी फेवरेट है तो मैं इसी को जिताऊंगा, सो ध्यान में रख लीजिएगा गाइस। वापस आ गए एक नए वीडियो में नए गेम प्ले के साथ, जिसमें दोबारा से खेल जा रहे हैं ZDS एंड रियाज। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो वर्सेस टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस वीडियो में गाइस तीन टेस्ट होने वाले हैं। फर्स्ट जो टेस्ट है वो है स्पीड टेस्ट, सेकंड है जो रिवर्स स्पीड टेस्ट, एंड जो थर्ड है वो है ऑफ रोडिंग टेस्ट, जिसमें कौन सी गाड़ी और अच्छा ऑफ रोडिंग करती है। फर्स्ट जो टेस्ट है वो कर लेते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ स्पीड टेस्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं ये जो स्पीड टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ हमारा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस टोयोटा फॉर्च्यूनर 202 की स्पीड अचीव कर ली है। एंड यहाँ पे आप लोग, मेरे को लग रहा है अब ये आगे नहीं जाएगी, इसलिए मैं इसको रोक देता हूँ, बिकॉज ये टक्कर खा जाएगी, ठीक है। एंड मेरा बोला हुआ कभी झूठ होता नहीं है गाइस, एंड टक्कर खा गई। पिछली वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने बोला था माउंट चिलियर से गिरे ना, लेकिन गिर गई, ठीक है, कोई नहीं। अभी चलते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के पास, फिर मिलता हूँ आपसे, बाय। जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का साउंड है सेम टू सेम टोयोटा फॉर्च्यूनर का ही है, तो मैं दोबारा से नहीं सुनाऊंगा गाइस, बिकॉज मैंने गेम का ऑडियो म्यूट कर रखा है, कोई नहीं। अभी चलते हैं गाइस, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर का भी मैंने इधर ही से किया, एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो का भी इधर ही से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा पीछे लेते हैं, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट इट। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो का जो स्पीड है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड 155 की स्पीड ये अचीव कर ली है। एंड देखते हैं ये 202 के ऊपर जाती है कि नहीं, एंड ये गाइस जीत गई है, 261 स्पीड अचीव की थी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये ब्लास्ट हो गई गाइस, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा गाइस कि महिंद्रा स्कॉर्पियो ब्लास्ट हो गई थी, तो थोड़ी डैमेज हो गई थी, इसलिए उसको रिपेयरिंग के लिए दिया था, तो कोई नहीं। अभी उठाते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर को एंड चेक कर लेते हैं रिवर्स स्पीड उसका कितना है, एंड फिर चेक करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो का कितना है। अनलॉक करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख चुके हैं जो लॉक है मैंने खोल दिया, एंड लेट्स टेस्ट द स्पीड ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं इसको लगा देता हूँ रनवे पे, तो प्लेन है इसलिए रनवे के साइड में ही टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेस्ट अलग होता है, टेस्ट अलग होता है गाइस, मैं अलग प्रोनाउंसिएट करता हूँ, ठीक है, अलग विचारण करता हूँ इसका। चलिए गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिवर्स स्पीड इसका 51 है गाइस, 51 तक ही जा पा रही है, एंड इसके आगे नहीं जाएगी गाइस। पीछे में जो वाइट कलर की कार रुकी हुई दिख रही है, मैं वहीं तक ट्राई करूँगा, उसके आगे गाइस महिंद्रा स्कॉर्पियो का ट्राई करेंगे यहीं तक, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसको रोक दिया, कोई नहीं। अभी इसको लेकर के चलते हैं, ट्राई करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो का, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी बूस्टर लगाया, सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो को ट्राई कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड अभी इसका स्पीड टेस्ट करेंगे, ये नहीं कि अभी उस टाइम रनवे खाली नहीं था इसलिए उसको रनवे पे नहीं किया, इसको भी रनवे पे नहीं करेंगे, इधर ही करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स सी, फर्स्ट वाली टेस्ट तो ये जीत चुकी है, सेकंड वाली कौन सी कार जीतती है, लेट्स सी, ठीक है गाइस। यहाँ पे 47 49 49 49 49 48 47 49 50 गई थी गाइस, अभी 50 गई थी कार, एंड 50 अभी भी गई फिर से, यानी 50 के ऊपर ये नहीं जा पा रही, यानी एक अंक के मात्रा से टोयोटा फॉर्च्यूनर जीत रही है, तो उतना डिफरेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। सो एक अंक के मात्रा से ये जीत रही है टोयोटा फॉर्च्यूनर।
अभी जो थर्ड टेस्ट है वो होने वाला है ऑफ रोड टेस्ट, जो कि माउंट चिलियाड पे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए मैंने अलग से छोटा सा ट्रैक बना रखा है, तो लेट्स सी उस पर दोनों गाड़ियाँ कैसे परफॉर्म करती है। चलते हैं वहाँ पे, फिर मिलते हैं आपसे। सो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर को पहले मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, मैं ले करके आ चुका हूँ इसको। लेट्स ट्राई टोयोटा फॉर्च्यूनर कैसे परफॉर्म करती है इस ट्रैक पे, ठीक है गाइस। यहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर को मैं देख सकते हैं, मैं ले करके आ चुका हूँ। एंड ये गाइस माउंट चिलियाड से भी ज़्यादा तगड़ी ऑफ रोडिंग होने वाली है, पूरी की पूरी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रोड है वो एकदम फ्लैट नहीं है, गड्ढों से भरा हुआ है, किसी किसी में पानी भी भरा हुआ है। तो कोई नहीं गाइस, इस पर देखते हैं कौन सी गाड़ी तगड़ी परफॉर्म करती है, कौन सी गाड़ी जीतती है इस पे, कौन सी गाड़ी हारती है, या ये मैच दोनों गाड़ी सेम ही रास्ते कवर कर पाएंगे या नहीं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ तक तो ये सक्सेसफुल ही रही। एंड थोड़ा सा इसको और आगे ले आते हैं, एंड उसके बाद गाइस इसको मोड़ते हैं, ठीक है। उड़ गया, इसको मोड़ेंगे गाइस, उसका भी आइडिया है मेरे पास। तो इसको पहले थोड़ा सा और आगे ले आते हैं एंड इसको मोड़ते हैं ब्रेक लगा करके। तो मोड़ता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे, एंड नहीं मोड़ने के बाद ही मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको मोड़ लिया है, एंड आपने देखा भी मैंने कैसे मोड़ा, कितना मेहनत से मोड़ा, ठीक है। यहाँ पे गाइस ये कार चढ़ चुकी है, एंड यहाँ पे गाइस आगे चलते और गई यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर निकल जाए तो ठीक है, अदरवाइज इस कार को इधर ही लॉक करेंगे एंड बाद में निकालेंगे। यानी ये कार यहीं तक आ पाई है, ठीक है। पावर बहुत ज़्यादा लगाती है, एंड पावर लगा के ये स्पीड में आ जाती है एंड अपना कांड कर डालती है, और क्या। सो कोई नहीं, इसको इधर ही लॉक करते हैं एंड ले आते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो को। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो महिंद्रा स्कॉर्पियो है वो भी स्कॉर्पियो है, वो भी आ चुकी है, एंड लेट्स ट्राई। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं जो टोयोटा महिंद्रा की स्कॉर्पियो है वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, एंड वो भी यहाँ तक सक्सेसफुली लगता है पहुँच जाएगी। गाइस इसका ग्राउंड क्लियरेंस टोयोटा फॉर्च्यूनर से थोड़ा कम है, तो इसको भी चढ़ाते हैं गाइस आगे की तरफ में, देखते हैं ये कैसी है, उससे आगे जा पाती है कि नहीं। गाइस यहाँ तक तो ये सक्सेसफुली आ चुके हैं, यहाँ पे आते हैं ये क्या महिंद्रा स्कॉर्पियो की वेट से ब्रिज टूट चुका है, एंड ये भी फॉर्च्यूनर की भाई ही निकली गाइस, बहन ही निकली, ये भी आ चुकी है टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। एंड ये वाला जो मतलब टेस्ट था ये ड्रॉ हो चुका है, बिकॉज दोनों गाड़ियों ने सेम परफॉर्म किया है, एंड सेम जगह आकर के दोनों गिर चुकी है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो से एक लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पे एम करता हूँ 10 लाइक्स का, अगर कंप्लीट हो जाएगा गाइस तो दो टोयोटा की कार्स को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। फर्स्ट होगी टोयोटा इनोवा क्रेस्टा, सेकंड होगी टोयोटा फॉर्च्यूनर। अगर सुपर कार भी आप बोलते हैं तो उस कार का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, उस कार को भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो चलो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड एम है गाइस 10 लाइक्स का जरूर कंप्लीट कराइएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस। तो चलो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड टेक केयर, बाय बाय।